हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम पेंटिंग पे। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मार्बल डिज़ाइन, जिसके लिए हमें दो चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसमें से एक है एक्रेलिक पुट्टी और दूसरा है स्टेनर। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। कौन कौन सा स्टेनर लगने वाला है उसका नाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। हम टाइल की डिज़ाइन तीन कलर की बनाने वाले हैं, इसलिए इसको एक्रेलिक पुट्टी को तीन हिस्से में अलग अलग कर लें। उसके बाद हम उसमें डालने वाले हैं स्टेनर। पहले आएगा उसमें ब्लैक स्टेनर और एक रेड स्टेनर, ये दोनों एक डिब्बे में आएंगे। ये दोनों डालने के बाद अच्छी तरीके से मिला लें। और ये पहला डिब्बा हमारा बनके तैयार है। अभी हम दूसरे डिब्बे में डालने वाले हैं ग्रीन और रेड ऑक्साइड। और उसे अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम तीसरे डिब्बे में डालेंगे वाइट। इसमें सिर्फ वाइट ही कलर डालना है, तो इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। गाइज, एक बात ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों में पानी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अब हमारा तीनों ही कलर बनके तैयार हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन के बाद। एक एक करके तीनों कलर की पुट्टी पतरे पर ले लें और हमारे डिज़ाइन अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट हो चुकी है, तो देखिए कैसी फिनिशिंग आ रही है। और एक बात ध्यान रखें कि इसमें एक बार जो इस्तेमाल हुआ उसको फेंक दें, फिर उसको दोबारा इस्तेमाल मत करें। इस डिज़ाइन को बनाकर अभी हो चुका है। इस डिज़ाइन को बनाने के बाद आपको कम से कम 8 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। और इसे सूखने के बाद हम पॉलिश पेपर से इसे अच्छे तरीके से घिस लेंगे। पॉलिश पेपर से घिसने से फिनिशिंग आ जाएगी, इसलिए अच्छी तरीके से जितना अच्छी तरीके से घिसेंगे उतनी ही फिनिशिंग बढ़ी आएगी। और इसे पूरी तरीके से घिसने के बाद इस दीवार पर वार्निश अप्लाई करें। तो अभी हमारा ये वार्निश अप्लाई करने का स्टार्ट हो चुका है। वार्निश से एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और गाइस, जब तक वार्निश मार के हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। ये वार्निश मारने का हमारा काम स्टार्ट है।